पापा, मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप फूल आने से पहले गोदरेज के डबल का उपयोग करते हैं, और उसके बाद तो जैसे जादू सा हो जाता है, हमारी फसल में अलग सी चमक आ जाती है। ऐसा क्या है गोदरेज के डबल में? फूल सजेंगे समृद्धि के। 25 सालों का भरोसा जो हमें गोदरेज के डबल से जोड़ता है, क्योंकि यही रहा है सालों से हमारा साथी फसल की वृद्धि में और हमारी समृद्धि में, अपने हर वादे पे खरा उतरता आया है गोदरेज का डबल। इसीलिए इसे सबसे अच्छा और असरदार बायो स्टिमुलेंट माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्या खास है गोदरेज के डबल में? डबल के बारे में अच्छे से जानने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि फूलों से फल या फलियां कैसे बनती हैं। ये प्रकृति की एक अनूठी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पराग कणों का अंकुरण होने के बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, जिसके बाद फूल से फल, बीज या फली बनते हैं। पर अगर ये प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होती है तो फूल और फल दोनों झड़ जाते हैं, या फल या फलियों का पूरा विकास नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आती है। अच्छा, तो फिर गोदरेज डबल का इस प्रक्रिया में क्या योगदान है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गोदरेज का डबल गुणवत्ता वाले फूल और उनके पराग कणों की शक्ति बढ़ाता है। मिलाकर गोदरेज का डबल फूल से फल या बीज बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और फूल या फल को झड़ने से रोकता है। इसका मतलब बेहतर उत्पाद, वो भी क्वालिटी के साथ। वाकई में ये तो बेस्ट है। बिल्कुल, सिर्फ फसल की वृद्धि के लिए ही नहीं, हमारी समृद्धि के लिए भी। जितने स्वस्थ होंगे फूल, उतनी ही स्वस्थ होगी हमारी फसल और उपज, जिससे होगा अधिक मुनाफा। अरे वाह, अब मैं पूरी तरह समझ गया कि कैसे सजेंगे फूल समृद्धि के। गोदरेज का डबल एक अत्याधुनिक बायो स्टिमुलेंट है, जिसे एक खास तकनीक से बनाया जाता है। गोदरेज के डबल का इस्तेमाल आप सोयाबीन, मूंगफली, धान, कपास, मिर्च, टमाटर और सभी प्रकार के फलों और सब्जियों की फसलों पर कर सकते हैं। गोदरेज के डबल का पहला छिड़काव फूल आने से पहले 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ और दूसरा छिड़काव उसके 15 दिनों बाद करना चाहिए। गोदरेज के डबल का इस्तेमाल करने से फूलों का झड़ना कम होता है, ज्यादा फल आते हैं, फलियों और दानों की संख्या बढ़ जाती है। गोदरेज का डबल फूल सजेंगे समृद्धि के।